हवाई सवारी तैयार है, चलते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते उतरते समय अपने जरूरी वस्तुओं जैसे साड़ी ब्रेसलेट हम लेकिन ये थे ब्रेसलेट ब्रेसलेट बहुत प्यारा है बिल्कुल कहाँ है हमारी दो तितलियाँ ये टूट गया यार देख कितना प्यारा लग रहा है मतलब लग रहा ना पतला पतला है ना सुंदर सुंदर कहाँ रहेगी सुंदर लग रहा है ये आज कुछ ज्यादा ही ये बॉम्बे साड़ी है हमारी लड़की महंगी हो चुकी है पूरी ठीक है और कृतिका को नया शौक चला उस दिन तो फुल फुल पहन गया है आप देखो मैं कह रही लिटरली यार इस लड़की का मतलब बर्थडे बर्थडे है और उसको तुमने ऐसी क्या टिप दी वो पूरा ढक ढुक के आ रही है हाँ यार मतलब इसी वाले गेट से निकलना है ना हाँ नहीं तो फिर रोड क्रॉस करना पड़ता है अब यार पैदल का मुझे आज तक समझ नहीं आया पैदल का सिस्टम क्या है पैदल का बिल्कुल भी सिस्टम समझ नहीं आया बहुत सारे कट लेने पड़ते हैं उतने में मैंने सोचा 10 रुपये में और क्या चाहिए ई रिक्शा वाला छोड़ रहा है साला और क्या लोगे बताओ उस दिन मैंने ना पूरे रास्ते की वीडियो बना ली मैं कभी भूल गए ना तो ये देख के पता चल जाएगा तो सोच यार तो सोच 10 रुपये में ई रिक्शा वाला छोड़ रहा है तो पैदल क्यों जाए रोल नंबर जैसी चीज यार वो होगा ना क्या कहते हैं हमारा 120 कर कर क्या है रोल नंबर कहाँ से निकालोगे यहाँ से निकालेंगे उसका पूरा वो था ना पागल देख लिया कहीं भी नहीं दिखेगा पार्क वो रक्सा कुछ भी पार्क वार्क नहीं है यहाँ बेकार सिस्टम है साला हाँ शुक्र है अब की बार चार चार होती है क्योंकि पहले वो एक घंटे की एक क्लास दो घंटे की ऐसे तैसे हो जाती थी एक एक घंटे में सब समझ भी तो आता है और क्या चाहिए स्वाति चौधरी का सीमित हुआ है माता सुंदरी में आती है स्वाति चौधरी हाँ नहीं मेरे को हिमांशी बता रही थी मैंने उससे पूछा था ना फिर यार उसकी बहन का कॉलेज रहा है ना ये वाला तो इस चक्कर में वो बताती रहती है स्मृति यार बहुत बोरिंग था मेरे को जाना ही नहीं था वो एक बस क्या था फ्री में टी शर्ट मिल रही है वो ले लो वो पतली है ना हिमांशी हिमांशी को कुछ भी तो चलेगा यार हमारी क्लास हमेशा खाली रहती है उसके बाद एक आगे वाली सीटें पकड़ लो एज यूजल गाइस वैसे सीटें खाली है हमारी यार वो वाले सर बढ़िया पढ़ाते हैं जो कैंपस लॉ वाले हैं ना रिया हंसी आ जाएगी पढ़ते पढ़ते मुझे तेरी याद आ जाती है सर को देख के कि सर ना मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं और पता है एक दिन सर ने एक बच्चे की बोतल ली सारा पानी पी गए कल से फिर अपनी बोतल लेके आते हैं हाँ सर का यही सिस्टम है हो गए यार एक एक चैप्टर सब में ख़त्म हो गया मिश्रा अपने चर्चे तो टीरी के बाद हुए टीरी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उस चर्चों में एक टर्निंग पॉइंट आता ना वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था मेरी लाइफ में होना भी चाहिए यार हाँ ये लोग मेरे को बोलते थे ना यहाँ उठ के वहाँ बैठ जाओ मैं बैठ भी जाती थी नहीं से टेरी को गाली मत दीजिए कुछ भी गलत नहीं पड़ता मुझे लवे तुम्हारे
साथ बैठती थी, कोमल लेट आती थी, कोमल मेरे को उठा देती, मैं उठ जाती थी। तो हिमांशु कहते तू पागल वागल है क्या? फिर हिमांशु कल मेरे को बोलती थी, आई थी ना कि तेरे में कितने बदलाव है, कहाँ तू पहली बेंच बैठती थी मेरे साथ, तू आखिरी पे आ गई। मैं कि यही बदलाव चाहिए जिंदगी में, ऐसा ही एक दोस्त होना चाहिए। बढ़िया यार, बड़ा मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मेरी हेल्प करी गाली बकने में। इतनी अच्छी तुमने मुझे बिगाड़ा। नहीं यार देखो, आज के जमाने में गालियां ना बहुत जरूरी है। देख तुझे हमने इतना सब कुछ सिखाया है, तब भी हमने घमंड नहीं करा, मैंने बहुत अच्छी बातें सिखाई। शिवानी दीदी के ग्रुप में थी वो, तभी ना देखा था, तब भी घमंड नहीं करा। मैं तो कभी किसी का मारा सेक्शन। अब सर आएंगे, बुक से नहीं होता ना यार, बुक से तो 12th क्लास तक पढ़ाया जाता था, अब तो लेक्चर होता है यार। हर कोई ना सेम टू सेम नहीं पढ़ाता, पता है हमें वो सर पढ़ाते थे आशीष सर, वो नोट्स प्रिपेयर करवाते थे, होता होगा यार, बट अब तो फिलहाल नहीं होता। यस सर, सबके पास सीट है। कोई बात नहीं, एक बार हाथ उठाने नहीं है। गाइस हम अपने महंगे से कैंटीन में आ गए हैं। कुछ ज़्यादा ही महंगा सा कैंटीन है। देखो रियू जी, यहाँ पे सारा मेन्यू लगा पड़ा है ऊपर, एवरीथिंग इज देयर। गाइस वो सारा खाली है। नहीं बोलेगी तो मिलेगा ना, बोलोगी तभी तो मिलेगा। नहीं आती, पहले ये करते हैं। ओके लिफ्ट चलानी नहीं, लिफ्ट को ना अच्छा। माता सुंदरी आप भी जाओ, कितना टाइम लगाएगी आगे यार, जल्दी की महक नहीं आ रही, आ तो रही है, मुझे तो डर सा लग रहा है। आगे डरावनी सी लिफ्ट है काफी, फोर्थ होगा नहीं इसमें। गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, पापा नमस्ते, भैया नमस्ते, इनको तो कि मैं नमस्ते नहीं बोलती, व्लॉग के चक्कर में बोलती हूँ। मम्मी नमस्ते। गाइज आज हमारे घर में देखो बर्गर बन रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, और नमन खाने के लिए इतना काम करवा सकता है, ये तो कभी नहीं सोचा था। खाने के चक्कर में भाई मेरा कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी है ना मम्मी, सही बात। इसे कहते हैं फूडी। तो मैं सोच रही हूँ अपना नया स्टार्टअप यहीं से शुरुआत करेंगे, मम्मी बनाए करेगी बर्गर। हैप्पी हो पियो का गुजी बुजी। कितने की लाई थी ये मम्मी? कितने की लाई थी? अच्छी लग रही है वैसे तो, 50 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी ये इसकी बंदरिया।